शरीफ बालक लगता हूँ। एक ये है, मेरे को कहती है मैं गुंडा लगता हूँ। अब भैया कहाँ से गुंडा लगता हूँ, अपने पति को गुंडा बोलती है। अबे रुक जा भाई, कहाँ से गाड़ी। हेलो फैमिली, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का दिन ना बहुत ज्यादा स्पेशल है और उसका रीजन ये है कि आज से एग्जैक्टली एक साल पहले मेरी और पतिदेव की ना शादी की डेट फिक्स हुई थी। हम दोनों की फैमिलीज गुरुद्वारे गई थी और ना गुरुद्वारे में हमने दो डेट्स लिखवाई थी, एक 27 नवंबर और एक 30 नवंबर, क्योंकि उस टाइम पर वेन्यूज नहीं मिल रहे थे क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में जो सारे वेन्यूज थे वहां पे बुकिंग हो रखी थी। तो हमने दोनों डेट्स लिखवा दी थी कि जिस दिन भी मतलब हमें वेन्यू मिल जाएगा हम उस दिन शादी कर लेंगे। वैसे सोचा तो 25 नवंबर का था, लेकिन 25 नवंबर को तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था वेन्यू, तो हमारी शादी फाइनली 27 नवंबर को हो गई थी। और उस दिन भी, जिस दिन हमारी डेट फिक्स हुई थी उस दिन भी बारिश हो रही थी और रात को ना बहुत तेज बिजली, जैसे होता है ना कि मतलब सामने खुद भगवान जी आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हो, और आज भी वैसे ही बारिश हो रही है और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। इससे पता चलता है कि हम दोनों की जोड़ी शिव पार्वती जैसी है ना, काले काले बादल। इस मौसम की ना सबको बहुत ज्यादा जरूरत थी। पति देव तो जा चुके हैं ऑफिस और मम्मी आज जा रही है नानी के घर, मैं भी चलती हूँ। मेरा भी बहुत ज्यादा मन था बट मेरी ना मीटिंग्स लाइंड अप है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। ये ना इतना चलाक है, ये हमारा चीकू जो है इसको बस मौका चाहिए ना यहाँ पे मेरे रूम में आने का, ऊपर जरा सा नीचे का कोई दरवाजा खोले और ये ऊपर आ जाता है मेरे पास। ठीक हो, देखो भाभी से बहुत ज्यादा प्यार है, देखो भाभी से बहुत ज्यादा प्यार है जो तू आ जाता है बार बार। मम्मा नानी घर जा रही है, आप चलोगे नानी घर? चलोगे? हाँ कर रहा है। चलोगे? वहाँ नानी है, मामा है, मामी है, चलेगा? चलेगा नानी घर, चलेगा? हेलो करो, बोले हेलो करो। बाय मम्मी, बाय, मिलते हैं मम्मी कल। कल बाय, दोपहर के बाद। नानी को मेरा नमस्ते, मामी मामा को प्यार, और वहाँ पे आप कुछ रिकॉर्ड भी कर लेना आपको लगे तो। ठीक है, ठीक है, ओके। हमारी बचपन की बातें निकली, ठीक है, हम अपनी फैमिली को दिखाएंगे। ठीक है, बाय मम्मी, बाय। ये क्या हुआ, देवदास की बन गया ये, इसको पता चल गया मम्मी घूमने जा रही है। बारिश की वजह से ना जगह जगह जाम है, तो मम्मी पापा कार में नहीं जा रहे हैं, मम्मी पापा मेट्रो में जा रहे हैं। अभी जब मैं बुला रही थी तब तो आए नहीं, तो है आगे आप देखने के लिए। अरे मम्मी क्या हुआ? अरे छतरी भूल गए बेटा, बारिश हो रही है। आप मुझे बता रहे थे पहले, आधी आपको ढूंढनी पड़ती छतरी लेके जा रही हूँ, बारिश हो रही है। मम्मी के घर जाओ तो एटलीस्ट एक दिन तो रह के आना चाहिए, पता भी चलता है कि हाँ हम मम्मी से मिले हैं। सेम डे जाके सेम डे वापस आ जाओ तो फिर ना ऐसे मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम गए हैं। तो मम्मी को मैंने कहा मम्मी आप रुको एक दिन वहाँ पे, अच्छे से आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे आराम से गॉसिप्स करना, बातें करना, और हमारी फैमिली के लिए कुछ रिकॉर्ड वगैरह के लाना, कुछ अच्छे मोमेंट्स हो। तो अंजू मम्मी तो जा चुकी है नानी के घर, तो आज मैं ना अकेले लंच कर रही हूँ, तो मैं मम्मी को मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ ही लंच करती हूँ, बट आज मुझे अकेले लंच करना पड़ रहा है। अच्छा आज ना लंच में है दाल पालक, सिंधीज में ना दाल पालक को साई भाजी बोलते हैं, दाल पालक और चावल। मतलब एक तो मौसम इतना अच्छा है, ऊपर से ये दाल पालक और चावल मिल जाए, और जब मौसम बहुत अच्छा होता है ना बारिश का होता है तो और ज्यादा भूख लगती है। तो अब मैं अपना लंच एंजॉय करने वाली हूँ, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. हम दोनों ने खाना खा लिया है और पतिदेव ना मुझे कोई सीक्रेट लोकेशन पे लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, कह रहे चल घूमने चलते हैं। अब पता नहीं कहाँ लेके जाने वाले पतिदेव, कहाँ लेके जाने वाले हो आप मेरे को? पहले ना मैं अपनी शकल देख रहा हूँ, कितना शरीफ वालक लग रहा हूँ ना मैं आज, सच्ची सच्ची बताना, शरीफ लग रहा हूँ दिल नहीं भैया, सच्ची सच्ची बताना। देखो भैया वोट नहीं भैया, सच्ची सच्ची बताना, शरीफ बालक लग रहा हूँ ना, शरीफ बालक लगता हूँ। एक ये है, मेरे को कहती है मैं गुंडा लगता हूँ, अब भैया कहाँ से गुंडा लगता हूँ, अपने पति को गुंडा बोलती है। अबे रुक जा भाई, कहाँ से गाड़ी। तो भैया बताओ, शरीफ बालक, देखने में भी शरीफ और असली में भी शरीफ, अपने पति को बदमाश बोलेगी, गुंडा बोलेगी। मैंने कब बोला आप बताओ आप सब? अच्छा हमारी फैमिली बताएगी, मैंने कभी अपने पति देव को गुंडा बोला? एक तो मैं पति देव बोलती हूँ प्यार से, मेरे को बोलती है मेरे को, और एक असलियत बात बताऊँ, मेरे को कहती है मेरे को ना हीरो से ज्यादा ना विलन पसंद है। ये कौन सी बात है? क्योंकि आप विलन की तरह लगते हो इसलिए। देख विलन मतलब गुंडा, विलन मतलब बदमाश, वो नहीं देख रही है। अब बता दो तो मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो यार? तू बस चल ले, बस जहाँ ले जा रहा हूँ तेरे को, मजा आ जाएगा। नहीं पहले बताओ, मजा आ जाएगा, मजा सीक्रेट है। नहीं पहले बताओ, बता। बारिश भी स्टार्ट हो गई पति देव, जब हम साथ होते बारिश कैसे आती है, ये मतलब काफी रोमांटिक नहीं, भगवान जी हमें आशीर्वाद नहीं देते? मैंने पता है अभी मैंने बताया था सुबह सुबह सबको, हमारी फैमिली को, कि जो हमारी डेट फिक्स हुई थी शादी की तभी बारिश हुई थी, तो हमारी जोड़ी शिव पार्वती जैसी है। हमें बहुत लग रही थी उस टाइम।
अब तो बता दो कहाँ लेके जा रहे हो, तुम किसी कॉलोनी में आ गए? बता रहे हैं, रुको जरा सबर करो। हेलो अबे यार मेरे पास सरप्राइज, तू ठीक कहते को पता। हेलो मैंने पहले ही कह दिया था, मैं बर्थडे पक्का यहीं आ रहा होगा। हेलो मेरा नानी, नानी ठीक है? बढ़िया ये आ गई। मेरी मीटिंग आने वाली है तो यहाँ पे तो दिख ही गया होगा। नहीं दिखा कैमरा में, मेरा हो गया ये। गाड़ी के अंदर की आवाज नहीं आ रही थी, बेल्ट की जो पी थी, मैं लग रहा था मैं बंटी यही आ रहा है। अच्छा मैंने पापा को बोला भाई कहाँ निकले, क्या दोनों निकले हैं, मैं इधर आ रहे होंगे, कह नहीं पागल यहाँ कैसे। अभी बात हुई है सरप्राइज नहीं मिला। और ओके बढ़िया बढ़िया, आपके ब्लॉग की बड़ी तारीफ हो रही है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। लैपटॉप हाथ में लेके आई हो, गाड़ी में मीटिंग करनी थी क्या? हाँ मम्मी, उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, तू लैपटॉप ले ले कार में, तो मैं ले लिया, कभी कॉल आएगा तो मैं कार में मीटिंग ले लूँगा। कितनी सेंसर है, कितनी सेंसर है, गाड़ी है गाड़ी। पौने ग्यारह हो रहे हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको, पौने ग्यारह हो रहे हैं, और ये लैपटॉप लेकर आई है मीटिंग के लिए, तैयार बैठी है, बताओ देख रहे हो कितनी काम के लिए वो है ये आज्ञाकारी। अरे यार बंटिया तू गाड़ी एक चेंज कर दो, अब एक नई गाड़ी ले कोई, और हमें उसमें गाड़ी चेंज कर लूं। हाँ गाड़ी चेंज। वैसे इसके लिए ना ऑप्शन आया है कि एंडेवर दिलाओ इसको, एंडेवर नई टॉप मॉडल 4x4। वैसे तो बहुत सारे हैं, किसी ने बोला मोपट दिलाओ, तो नैनो भी आया, किसी ने नैनो, लैम्बोर्गिनी। कौन सी वाली को मॉडल लेना है आपके हिसाब से? नैनो दिलवा दो। नैनो, नैनो बैटरी वाली है, लेकिन मेरी बैटरी हिलने लग जाएगी मामा जी, नैनो थोड़ा सा। तेरे बैटरी क्यों हिलने लग जाएगी? मोटी हो गई ना इसलिए। एंडेवर ना तू बीच रोड के बीच में खड़ी करी हो, कि रास्ता ही जाम हो जाए, रोड पे बीच पे खड़ी करके चाबी बंद करके घर। हाँ पार्किंग की टेंशन ही नहीं। नानी कौन सी गाड़ी दिलानी है आपकी बहू को बताओ? सबसे बड़ी क्यों बड़ी हो? सबसे बड़ी टाटा 407 दिला दें, टाटा 407 दिला देंगे तेरे को, और दिखाऊंगा तेरे को, दिखाऊंगा जिसके पास बिस्तर लगा के सोई, टेम्पो ट्रैवलर। नानी गाड़ी जो आनी थी ना वो इसके घर से आनी थी, इसके पापा का प्लॉट बिका, इसके इसके पापा दो करोड़ का प्लॉट बिका रोहिणी। वो बोले इसको ना, नहीं इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे ना। फिर कहाँ से आएगी गाड़ी? तेरे पापा का बोलेंगे। अभी अभी हम निकले नानी के घर से, और हम ना बाय बाय करना भूल गए उनको, बाय बाय रिकॉर्ड करना भूल गए। चलो अब तो हम निकल चुके हैं खैर, लेकिन फतेह मेरे को ना भूख लगने लग गई बहुत तेज, आप मुझे कुछ भी खिला दो। बज रहे हैं रात के 12:30 और इसको लग रही है भूख, पता नहीं क्यों लगने लग गई। घर जाके मैगी खा लियो ना। अरे मैगी बनाऊंगी, फिर पापा की नींद खराब हो जाएगी, ऐसे किचन में आवाजें आएंगी ना, तो बना सकती हूँ मैगी, लेकिन नींद खराब हो जाएगी। चलो देख लेते रास्ते में कुछ मिलता है तो। जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता बंद हो गया, हम कहाँ से जाएंगे? अब पतिदेव पीछे जाना पड़ेगा। अंजू मम्मी का ना अभी अभी कॉल आया कि वो रस्ते में है, वो घर पहुंचने वाली है। कल वो नानी घर में उन्होंने स्टे किया था, आपने देखा अभी कि कितनी मस्ती की थी हमने नानी घर में मामा जी के साथ, मामी जी के साथ बड़ा मजा आया। तो मम्मी बस अभी रस्ते में ही है, अब ना मम्मी आ रही है ना, तो मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर गया घर जाने का, रहने के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मतलब बहुत ही अराउंड 3-4 months हो गए मैं रहने नहीं गई अपने घर। वैसे तो मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, बट होता है ना कि जितनी पास होता है आपका माई का, उतना ही आपको कम हो जाता है जाना, मतलब बिल्कुल ही। एक तो टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्कूल का काम है, और इतना सारा काम लेके आप जाओ वहाँ पे कुछ कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे ठीक से इंजॉय भी नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा सा रिजल्ट का प्रेशर कम हुआ है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ रहने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार पति देव से भी बात करनी है, एक बार मम्मी से भी बात करनी है, मम्मी आ जाए तो कि क्या मैं जा सकती हूँ अपने घर रहने के लिए। वैसे तो पतिदेव अंजू मम्मी बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे मुझे जाने के लिए, लेकिन पतिदेव तो बहुत खुश हो जाएंगे, बल्कि पतिदेव तो कहेंगे चलो अच्छा है। लड़कियों के बाद समझ सकती है कि हाँ जब बीवियां मायके जा रही होती हैं तो पति लोग कितने खुश हो जाते हैं, चलो हाँ छुटकारा मिला। वैसे तो उनकी बीवी बहुत अच्छी है, उनको तो मुझे ऐसा लगता है मेरी याद आएगी कि हाँ मेरी क्यूट सी बीवी मुझसे थोड़ी दिन के लिए रहने चली गई, थोड़े दिन के 2-3 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी वापस। तो फिर भी लेकिन एक रिस्पेक्ट की बात होती है कि आपको एक बार ना अपने इन-लॉ से पूछ लेना चाहिए, आप एक बार अगर जा रहे हो तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा रहता है कि आप एक बार पूछ लो, रादर देन आप एकदम से बोलो कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो वो ना चीज थोड़ी अजीब सी हो जाती है। आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप एक फैमिली हो, आपके इन-लॉज और आप एक फैमिली हो, तो आपको पूरा उनसे इस तरह से पूछना चाहिए। तो अभी मैं पतिदेव से फोन करके पूछती हूँ, अभी तो वो ऑफिस गए हैं, कि पतिदेव मैं जा सकती हूँ, और अभी मम्मी आ जाएंगे तो एक मम्मी से भी मैं पूछ लूंगी। शादी के बाद चीजें कितनी चेंज हो जाती हैं, मतलब शादी से पहले आप 24 घंटे अपने मायके में रहते हो, बड़ा पूरा मतलब मस्ती करते रहते हो, शादी के बाद आप अपने ससुराल में आ जाते हो। मैं ये नहीं बोली ससुराल में मस्ती नहीं करते, मतलब मैं चीजों के चेंज होने की बात करती हूँ। फिर आपका अपने मायके जाना कितना मतलब कम हो जाता है, पहले तो हर वक्त आप मायके में रहते हो, और अब बिल्कुल ही मतलब ये हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ही मौका देखना पड़ता है कि हाँ आप कब जाएं कब जाएं। तो बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी मुझे मम्मी पापा और शिवम की। लड़कियां ये चीज अच्छे से
समझ सकती हैं कि शादी के बाद कितनी लाइफ चेंज हो जाती है। पहले शादी से पहले आप हर वक्त मायके में रहते हो, 24 घंटे मस्ती करते रहते हो, और शादी के बाद आपको मौका देखना पड़ता है कि आप कब अपने मायके जाओ, तो बहुत चीजें मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि गलत सेंस में, अच्छी सेंस में भी चेंज होती हैं, बट मैं इस वक्त मायके जाने की बात कर रही हूँ। तो अब मुझे इतने टाइम बाद मौका मिला है अपने मायके जाने का। बेल बज चुकी है, लगता है मम्मी नानी घर से आ गई है। मम्मी आप आ गए नानी घर से? आ गई मम्मी, आ गई। हो जा कुछ, हो जा, बहुत मिस कर रहा था ये। चलो 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 चलो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। मम्मी वो मैंने आपको बताया था ना, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है घर जाने का, बहुत दिन हो गए। तो आप गए थे ना कल, तो मेरा और ज्यादा मन कर गया, तो मैं आज चली जाऊँ थोड़ी देर में घर। आप भी दो चार दिन रहे हूँ? बहुत दिन से गए भी नहीं। मम्मी मैं सोच रही थी कि एक बार पति देव से भी पूछ लूँ। हाँ पूछ लो, पति देव से भी ऐसे परमिशन लेनी चाहिए ना। मैं पति देव से पूछती हूँ कि मैं जा सकती हूँ। मेरा ना मन कर रहा था दो दिन के लिए घर रहने जाने का, तो मैं चली जाऊँ। चली जाऊँ, ओके बाय। मुझे आपकी बहुत याद आएगी वैसे। ओके बाय। मिल गई मम्मी परमिशन। मम्मी आपसे भी परमिशन मिल गई, पति देव से भी परमिशन मिल गई। अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ जाने की, ठीक है? जल्दी से मैं थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेती। बैग मेरा इतना सा यही रेडी हो चुका है। इतना छोटा सा बैग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि घर पे ना मेरे ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैंने बस अपनी छोटी मोटी बेसिक चीजें ले ली हैं, और बस मुझे अब लैपटॉप रखना बाकी है। लैपटॉप और रखती हूँ, फिर मैं निकल रही हूँ। ये ना उदास हो गया है, अभी जब मैं नीचे आई थी ना तो ऑलरेडी इतनी तेज से इसने भौंकना शुरू कर दिया। ये ना समझ चुका है कि मैं जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, भाभी आ जाएगी दो तीन दिन में आ जाएगी भाभी, उदास मत हो। सैड हो गए ना, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। वैसे तो मम्मी ने लंच बना रखा है, मटर पनीर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंजू मम्मी ने ना मेरी फेवरेट चाप बनाई है, इतनी टेस्टी बनी है। तो मैं जा रही हूँ, तो उसमें ये थोड़ी कि मैं चाप का मजा ना लेके जाऊँ, मैं यहाँ से चाप का मजा भी लेके जाऊंगी और वहाँ पे मटर पनीर भी खाऊंगी। मम्मी पापा तो डायरेक्टली ऑफिस चले गए, तो उनको तो पता ही नहीं था कि सुबह तक मेरा भी प्लान नहीं था। उनसे भी आशीर्वाद ले लेती हूँ फोन करके। बात कर लो पापा से फोन पे। पापा वो ना मैं घर जा रही थी दो तीन दिन के लिए, तो आप ऑफिस चले गए थे, तो आपका आशीर्वाद लेना रह गया। तो फोन पे आशीर्वाद दे दो मुझे, दो दिन बाद आऊंगी। ओके मम्मी बाय 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 बाय। आप मेरे को याद करोगे? नहीं है क्यों? क्यों? तो करते हैं मैडम, घर में रहना। बाय मम्मी। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर, मम्मी आ रही है नीचे गेट खोलने के लिए। मिसेस शर्मा आ चुकी हैं गेट खोलने के लिए। स्वागत होगा हमारा। अरे वाह, आज तो बहुत दिन बाद आई है। बहुत दिन बाद आई हूँ, और कैसी हो? मुझे जन्मदिन के बाद आज आ रही है। मम्मी को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, चुकी हूँ बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं, इसलिए आ रहा है प्यार। 4 महीने उनको आ रहे हैं, 4 महीने बाद आ रही हूँ मैं। आज चलो ऊपर चलते हैं। अच्छा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप सब लोग ना मेरे व्लॉग्स नहीं देख रहे हो, मेरे सारे व्लॉग्स देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मीनाक्षी राहुल भाटिया पर आपको व्लॉग्स मिलेंगे मंडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे सुबह 8 बजे, तो सारे व्लॉग्स देखना। ओके सारे व्लॉग्स देखने हैं, सबको शेयर करना है। आज मैं 4 महीने बाद अपने घर आई हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मिलके रूम में आके। यहाँ की खुशबू मतलब हर एक रूम की अलग ही खुशबू होती है ना। आप सबसे मैं जल्दी मिलती हूँ, अभी मैं थक गई, थोड़ा रेस्ट करूंगी, पानी वानी पीऊंगी, जल्दी आप सबसे मिलूंगी। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। तो खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए, जल्दी मिलते हैं।